वीडियो बनाना युवक को पड़ा भारी, दरोगा जी युवक को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर लाए थाने। जानिए क्या है पूरा मामला। भदोही औराई बाबूसराय मार्केट में हेमंत सिंह की बर्तन की दुकान है। कुछ माह पहले उनकी एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसका कंप्लेंट उन्होंने औराई थाने में दर्ज कराया था। आज जब हेमंत सिंह अपने दुकान में थे, तभी औराई थाने पर तैनात दरोगा वीरेंद्र यादव 4-5 सिपाहियों के साथ आए और पूछताछ कर रहे थे। तभी रोहित मौर्या पहुंचा और वीडियो बना रहा था, जो दरोगा जी को गवारा न लगा। उन्होंने उस वीडियो बनाने वाले निर्दोष को माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। पब्लिक में काफी आक्रोश है कि आखिर योगी राज में जहाँ यूपी के मुख्यमंत्री बाबा कहते हैं पुलिस जनता की मित्र है, वहीं रक्षक ही भक्षक नजर आ रहे हैं। आखिरकार वीडियो में क्या था जो दरोगा को इतना बुरा लगा और वो तिलमिला उठे। यही दरोगा जी अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए चंद महीनों पहले एक पत्रकार, जो कि भारतीय पत्रकार संघ का पदाधिकारी था, दो समुदायों के बीच पूरे विवाद को वह कवरेज कर रहा था। तभी यह दरोगा जी उसी पत्रकार को मारते हुए घसीटते हुए इसी बाजार से उठाकर थाने ले गए थे और इतना बेकाबू हो गए थे कि पत्रकार को अब शब्द भी बोले और मारने पीटने की धमकी भी दिए थे। सुनिए भदोही से सतीश मौर्य की रिपोर्ट। आपका नाम बताइए अपना। हमारा नाम हेमंत सिंह है। प्रशासन आपके यहाँ किस लिए आई थी आज? प्रशासन हमारे इसलिए आई थी कि हम कुछ माह पहले हमारी बाइक चोरी हो गई थी और बाइक हमारी बरामद नहीं हुई, फिर भी जो है जबरदस्ती हमसे लिखवाना चाहते हैं कि आप हमारी बाइक, आपकी बाइक बरामद हो गई। लगभग 12 माह के आसपास हो जाता है। बीच में कोई कार्रवाई हुई थी कि नहीं प्रशासन द्वारा? एकाएक बार हमारे यहाँ जो है सब इंस्पेक्टर जो यहाँ के थे, एकाएक बार यहाँ आए थे हमारे दुकान पर जांच के लिए। जांच के लिए? जांच में उन्होंने क्या लिखा था? अब जांच में क्या लिखा है तो हमें नहीं मालूम है। तो आज यहाँ प्रशासन आई थी तो क्या कही आपसे, क्या करने के लिए कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि चलिए आप थाने पर, और वहाँ जो है CO साहब आपको बुलाए हैं, आप मुकदमा आपका लिखा जाए। हम कहें मुकदमा तो बाइक का एक बार लिखा जाता है कि बार बार मुकदमा लिखा जाता है? कहें तब आप इस पर साइन करिए। हम कहा कि बाइक हमारी मिली नहीं है तो हम साइन क्यों करें? उस पर कुछ लिखा था जिस पर आप सिग्नेचर करा रहे थे आपसे ये? उस पर कुछ लिखा था जिस पर सिग्नेचर करा रहे थे? हाँ, उस पर कागज़ पर कुछ लिखा था। आपने पढ़ा नहीं था? नहीं, हम पढ़े नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। कौन कौन आए थे यहाँ के? सब इंस्पेक्टर थे और उनके साथ 4-6 वीरेंद्र यादव और 4-6 लोग और उनके साथ पुलिस वाले। तो उसके साथ रोहित को क्यों उठा के ले? हम यहाँ से अपने दुकान से के बाहर जो है रोहित खड़ा था, वो जब हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहे